हेलो गाइस, माय सेल्फ ओमेस। इस वीडियो में हम फ्री व्हील क्लच सिस्टम बनाएंगे फॉर इलेक्ट्रिक गो कार्स। ये आपके गो कार्स के इंजन और गियर बॉक्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, जो कि वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर मेरे पास 70cc की बाइक की गियर बॉक्स वाली मेन शाफ्ट है। इसके ऊपर टू टाइप के गियर लगे होते हैं, एक फ्री में जो इस तरह से मूव करते रहते हैं इसके ऊपर, और इस तरह एक जो इसके ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, जो शाफ्ट के साथ फिक्स अटैच होते हैं। इन गियर्स के ऊपर मैंने बाइसिकल के फ्री व्हील वाली स्प्रॉकेट बिल्कुल फिक्स वेल्ड कर दी है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारी जो एक शाफ्ट है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर इस शाफ्ट का फ्रेम है, जो कि 3mm की मेटल शीट के साथ बना हुआ है। मेटल पाइप को कट करके यहाँ पर मैंने इसके बेयरिंग ब्रैकेट्स बनाए हैं। अब हम इस शाफ्ट को इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये 6 इंच का मेटल रॉड है, जिसके ऊपर मैंने थ्रेड्स बनाया है। इसकी जो साइज डायमेंशन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बाइसिकल के फ्री व्हील हैं, जो आपको लोकल बाइसिकल की स्पेयर पार्ट्स वाली शॉप से इजीली मिल जाएंगे। एक फ्री व्हील हम इस पर क्लॉकवाइज पोजीशन में सेट करेंगे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में सेट करेंगे। यहाँ पर इसका मेन फ्रेम है, जिसमें हम फ्री व्हील वाली मेन शाफ्ट इसमें लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इसका स्लाइड मैकेनिज्म बनाया है, ताकि ये जो इसका पार्ट ए है इसको आप मैन्युअली एडजस्ट करके इसका जो चैन है उसको आप लूज़ और टाइट कर सकें। यहाँ पर मेरे पास सेम साइज़ की दो चैन है, अब मैं इन दोनों को इसके ऊपर एडजस्ट करूँगा। जहाँ पर आपका चैन सही से एडजस्ट हो जाए वहाँ पर आपने इन बोल्ट्स को टाइट कर देना है। फाइनली यहाँ पर हमारा क्लच सिस्टम बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो ज़रूर से लाइक करेंगे, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।